अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली मैं तुर्की के ट्रिप से वापस आया हूँ, तो कुछ दोस्त जानना चाह रहे थे कि क्या एक्सपेंसेस आए और किस तरह वीज़ा अप्लाई वगैरह किया, क्या प्रोसेस है, क्या हम खुद अप्लाई कर सकते हैं या हमें कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक दो वीडियोज़ बना दी जाएँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ वीज़ा के बारे में। तो दोनों तरह का वीज़ा मैंने जो है वो एक्सपीरियंस किया अपनी फैमिली के साथ। एक एम्बेसी स्टिकर वीज़ा, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान से सारे लोग जिस तरह अप्लाई करते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर, स्टिकर वीज़ा लगकर आता है पासपोर्ट पे। और एक ई वीज़ा, तो जैसा कि मैं यहाँ पर पुर्तगाल में हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास शेंजन कोई परमिट है या वीज़ा आपका वैलिड है तो उसकी बेस पर आप ई वीज़ा ले सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में जो है वो तफसील हम इस वीडियो में जान लेते हैं, और एक्सपेंसेस के बारे में तुर्की के हवाले से जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टिकर वीज़ा की बात करते हैं, जो कि तमाम लोग इसी प्रोसेस से पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं। तो एनाटोलिया ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है वो कंपनी है जो हैंडल कर रही है, एक ट्रैवल एजेंट्स कह लें आप इनको, जो ऑफिशियली हैंडल कर रहे हैं तुर्की के वीज़ा को, यानी कि एम्बेसी ने इनको जो है वो दिया हुआ है, ठेका दिया हुआ है कह लें आप जो भी। तो पहले जेरीज जो है वो हैंडल करता था इसको, तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है कि तुर्की का वीज़ा जेरीज वाले प्रोसेस करते थे, जैसा कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज का भी वो प्रोसेस करते हैं। बट अब जो है वो एनाटोलिया सर्विसेज जो है वो इसको प्रोसेस करती है, और कराची में इनका जो ऑफिस है वो फोरम के ऊपर है। फोरम एक छोटा सा शॉपिंग मॉल है क्लिफ्टन में, तो वहाँ पर इनका ऑफिस है। तो इसको हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सबमिट की थी वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले तो एक ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आपको वहीं से मिलेगा जब आप वहां पर जाएंगे, तो वो एक फॉर्म आपको पकड़ा देंगे, उसी टाइम सबमिशन के टाइम ही आपने उसको फिल करना है। उसमें एक जनरल सी इंफॉर्मेशन होगी, पहले आपने कहीं ट्रैवल किया है और आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी डिटेल लिख दें, कुछ जगहों के नाम लिख दें इस्तांबुल के, जो आप फेमस फेमस प्लेसेस आप समझते हैं, या एक आध और सिटी का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, अंटालिया, अंकारा, कहीं आपका प्लान है जाने का। तो फिर कितना ड्यूरेशन है, कब से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मतलब बेसिक सा एक जनरल सा फॉर्म होता है जो आपको काउंटर पे ही फिल करना होगा। उसके बाद पासपोर्ट आप जमा करवाएंगे, मेक श्योर कि उसकी जो वैलिडिटी है, जो लास्ट डेट है उसकी, वो 6 मंथ तक एटलीस्ट आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। दो फोटोग्राफ आपने सबमिट करवानी होती है व्हाइट बैकग्राउंड में, 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, ये इसका जो साइज है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो आपका चेहरा थोड़ा सा बड़ा आता है, और जो लेडीज हैं वो पिक्चर खिंचवाते हुए उनके कान जो हैं वो नजर आने चाहिए, ये एक इनकी रिक्वायरमेंट है, और माथा जो है वो क्लियर होना चाहिए, अगर स्कार्फ वगैरह के साथ पिक्चर ली है तो माथा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कान जो है वो नजर आ रहे होने चाहिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोग्राफ्स की। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर है, आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर, जब आपने जॉब स्टार्ट की थी तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला होगा, वो लेटर आपने जो है वो अटैच करना है। अच्छा, अब इसमें अगर जो है वो स्पाउस साथ में जा रही हैं तो वो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगानी होती है, थ्री मंथ्स की, जिसमें जो एक एवरेज है कि आपके पास अगर आपका 10 दिन का टूर है, 1 हफ्ते का टूर है, 15 दिन का टूर है, उस हिसाब से आप काउंट कर लें, तो तकरीबन 2 लाख रुपए आपके पास पाकिस्तानी, 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में एटलीस्ट पर पर्सन के लिए होने चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको स्टेटमेंट शो करनी होगी। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है, ये आप उसी बैंक से जिस बैंक में आपकी सैलरी आ रही है हर मंथ, आप उनसे जाके रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको ऑन द स्पॉट अकाउंट मेंटेनेंस लेटर निकाल देंगे बैंक के लेटर हेड पे, जिस पे आप स्टैंप वगैरह लगवा लें, और जो बैंक स्टेटमेंट आप निकलवाएं उस पे भी आप स्टैंप लाजमी लगवा लें। उसके बाद 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लगती है, जो भी कंपनी है आपकी वो सैलरी स्लिप आपको आ रही होगी हर महीने, वो आपने 3 मंथ्स की अटैच करनी। अच्छा जी, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि एटलीस्ट 30,000 यूरो या 50,000 USD होनी चाहिए आपके इंटायर स्टे की। अगर आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 7 दिन की इंश्योरेंस बनवा लें, 10 दिन के लिए 10 दिन की बनवा लें, 15 दिन की। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी हैं, जुबली, आदम जी, एफ यू, अल्फला, आप किसी से भी रब्ता करके
बनवा सकते हैं, एक ही दिन के अंदर वो आपको इंश्योरेंस बना के दे देंगे 3,000 से लेके 7,000, इस तरह मुख्तलिफ इनके रेट होते हैं। तो और इससे कम में भी बन जाती है, यानी कि 2,000 से 5,000 के दरमियान पर पर्सन ये इंश्योरेंस जो है वो बन जाती है। उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा से मिल जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट कपल जा रहा है तो मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा दें साथ, जो कि आपके UC से बन जाता है, नादरा का ही डॉक्यूमेंट है लेकिन आपका यूनियन काउंसिल से आप उसको हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा कवर लेटर है जो कि बड़ा ही आसान होता है, अगर किसी ने सैंपल चाहिए हो तो मैं सैंपल भी शेयर कर दूंगा, सिंपल सा होता है, आप खुद ही इसको लिख लें, बस उसमें यही बताना होता है कि हम जो है वो ट्रैवल टूरिज्म पे जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं फैमिली के साथ, और तुर्की हमें अच्छा लगता है, हमने कुछ वीडियोस देखी, हमें बड़ा अच्छा लगा, ये चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, जस्ट जनरल सी, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, और अपनी डिटेल थोड़ी सी लिख दें अपने कि 15 दिन का हमारा टूर है, ये मेरा पासपोर्ट है, और ये वो थोड़े से हाईलाइट करनी होती हैं चीज़ें बस। उसके बाद जो कि लीव अप्रूवल लेटर है फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मैंने रिकमेंडेड इसलिए लिखा है कि ये इन्होंने की फुली रिक्वायरमेंट में नहीं आता, मतलब आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाना है जो कि लाजमी है, लीव अप्रूवल लेटर अगर आप लगा दें तो इसमें अच्छा चांस होता है, आपका एक प्लस पॉइंट होता है कि आपने एम्प्लॉयर से जो है वो लीव ली हुई है कि भाई हम जा रहे हैं तुर्की के ट्रिप पे फैमिली के साथ, तो 2 हफ्ते की हमारी लीव है और 2 हफ्ते बाद हम जो है वो रिपोर्ट बैक करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप ये लेटर लगा देंगे तो एक अच्छा पॉइंट प्लस पॉइंट है। उसके अलावा जैसा कि मेंशन मैंने कर दिया, एनाटोलिया ट्रेवल सर्विस इसको हैंडल करती है वीज़ा को, और इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, जैसे जेरीज के लिए पहले हम ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से VFS ग्लोबल की जो वेबसाइट थी उससे हम अपॉइंटमेंट लेते थे और उस डेट को हम जाते थे, अब जो है अपॉइंटमेंट वाला चक्कर नहीं है तुर्की के वीज़ा के लिए, और पाकिस्तान के जितने भी तमाम बड़े शहर हैं सब में एनाटोलिया का जो ऑफिस है वो मौजूद है, कराची में इनका ऑफिस फोरम में है, मैंने पहले जिक्र किया, क्लिफ्टन में फोरम के अंदर है। अच्छा, इसमें जो है आपने अर्ली मॉर्निंग चले जाएं बेहतर है, और वहां पर जो है वो टोकन जो स्लिप्स वो हैं वो आप जाके ले लें, जैसे बैंक में हम स्लिप लेते हैं और आपकी बारी आएगी तो आप काउंटर पर जाके जमा करा दें, बस इसका ये सीन है, कोई पहले से अपॉइंटमेंट वाला चक्कर नहीं होता। फीस जो है वो 12,000 DKR एम्बेसी की फीस है वीज़ा वीज़ा की। उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो कि आपका एजेंट यानी कि एनाटोलिया को ही मैं एजेंट कह रहा हूँ ये लोग लेते हैं, तो वीज़ा प्रोसेसिंग फीस हो गई, तो टोटल फीस जो है वो पर पर्सन की आपको 20,000 PKR पड़ जाती है, पाकिस्तान से 20,000 रुपीज़ की पड़ आपको टोटल फीस है। अच्छा, नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम इसका 15 वर्किंग डेज है, तो नॉर्मली इनका जो वीज़ा है वो 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है, आराम से आ जाता है, मतलब सिर्फ वर्किंग डेज हटा के मैं बात कर रहा हूँ 2 हफ्ते में आ जाता है इनका वीज़ा। अच्छा, एंड पे जो है हम बात कर लेते हैं ई वीज़ा एप्लीकेशन की, जो कि बड़ा ही आसान है, उसकी पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट वाले जैसा कि हम सबके पास है, अगर आपके पास वैलिड शेंजन वीज़ा है या USA का है, UK का है, आयरलैंड का है, या परमिट है, परमिट से मुराद है कि आपका यहाँ का कार्ड बना हुआ है, रेजिडेंस कार्ड जिस पे आप रह रहे हैं, तो इन सब की बेस पर आप जो है वो तुर्की का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ई वीज़ा के लिए वेबसाइट यहाँ पर मेंशन मैंने की है, evisa.gov.tr, इस वेबसाइट को आपने ध्यान से खोलना है क्योंकि ध्यान से देख लें, और इसी वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है वीज़ा, क्योंकि इसमें स्कैम भी बहुत हो रहे होते हैं, तो कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो मतलब स्कैम वाइज कर लेती हैं, वो उसमें आपने पैसे भर दिए, फॉर्म फिल कर दिया और पता चला कि वो ऑफिशियल वेबसाइट थी ही नहीं, तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है तुर्की की ई वीज़ा लेने की वो evisa.gov.tr है, तो ये बहुत ही सिंपल सीधा सा प्रोसेस है, इसमें वीज़ा उसी टाइम आ जाता है, मतलब डाउनलोड करना होता है आपने, अप्लाई करना तो मैं नहीं कहूँगा, जस्ट आप पेमेंट करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं, बस ये सीन है, तो 3 स्टेप में इनका वीज़ा ई वीज़ा मिल जाता है आपको। पहले एक फॉर्म फिल करना है जो कि बिल्कुल जनरल सी इंफॉर्मेशन है आपकी, आप अपना पासपोर्ट वही जो है आपके पास पाकिस्तान ये वो सब कुछ डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद वो पूछेगा कि आप किस बेस पे यानी कि ई वीज़ा ले रहे हैं, तो वो आप अपना अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो वीज़ा का स्टिकर नंबर लिख दें और बता दें कि वीज़ा लगा हुआ है मेरा कहाँ का, नॉर्वे का, स्वीडन का, डेनमार्क, कहीं का भी, फ्रांस का, वटेवर, वो मेंशन कर दिया,
या अगर आपका कार्ड है तो कार्ड का नंबर मेंशन कर दें कि मेरे पास परमिट है। अच्छा, उसके बाद वो फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे कहेगा फी पे कर दें, जो कि $60 है और वो सेम ही बनती है, 12,000 पाकिस्तानी रुपीज वही बनती है। बस इसमें ये है कि प्रोसेस चार्जेस आपने नहीं देने और एम्बेसी में आपने प्रोसेस चार्जेस देने हैं क्योंकि आप एनाटोलिया के थ्रू जाएंगे। तो खैर, $60 जैसे ही आप पे करते हैं आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है, उसी टाइम कंप्यूटर जनरेटेड ई वीज़ा जो है वो आ जाता है आपके पास, उसको जस्ट आपने डाउनलोड कर लेना है। उसकी वेरिफिकेशन या जो भी है कि आपके पास परमिट है भी या नहीं, आपने ऐसे ही वीज़ा ले लिया, वो सब ऑन अराइवल आपका तुर्की में चेक होगा अगर उन्होंने किया। लास्ट में एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आपने मतलब आपने अप्लाई करना है तो आप एज अ मेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप स्पाउस को लेके जाना चाह रहे हैं या किसी भी और बंदे को या दो तीन बंदों को, तो आप मेन एप्लीकेंट बन सकते हैं और साथ में आपने जो है बाकी लोगों के एक्सपेंसेस आप कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं कि मैं जो हूँ वो मेन एप्लीकेंट हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बाकी दो लोगों का नाम मेंशन करके कि इन लोगों का जो भी एक्सपेंस होगा वो सारा एक्सपेंस मैं उठाऊंगा। तो उसमें आपकी एक ही बैंक स्टेटमेंट मेन एप्लीकेंट की लगेगी और जाहिर है कि वो सबके एक्सपेंसेस कवर होने चाहिए। तो जैसा कि 2 लाख पर पर्सन मैंने बताया 10 डेज की एक एवरेज है, तो आपको फिर उस हिसाब से, तीन बंदे हैं तो टोटल आपके 6 लाख एटलीस्ट होने चाहिए अकाउंट में, थोड़े से उसके ऊपर ही आप रखिएगा और थोड़े बहुत पैसे आप इधर उधर से कहीं से अरेंज करके डलवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उसको एटलीस्ट 6-7 महीने पहले से या एटलीस्ट 3-4 महीने पहले से थोड़े थोड़े पैसे करके बैंक स्टेटमेंट को अपना इंक्रीज कर लें और उसके बाद जो है वो अप्लाई करें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।